आजमगढ़ जिले के एक होटल में आम आदमी पार्टी द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की गारंटी के नाम पर, अरविंद केजरीवाल के वादे और भरोसे के नाम पर ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली फ्री, सभी बकाया बिल माफ, प्रति वर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं तब तक प्रतिमाह 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की माताओं एवं बहनों को 1000 रुपये भत्ता तथा शिक्षा पर टोटल बजट का 25% खर्च करने का और जातिगत समीकरण को तोड़कर नए विकास की राजनीति से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले के सभी विधानसभा से प्रत्याशी उतारने की कवायद भी तेज हो गई है, जिसमें अभी तक जिले में 3 विधानसभा से प्रत्याशियों का चयन किया गया, जिसमें कांग्रेस छोड़कर हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मुकेश कुमार राय सगड़ी विधानसभा से, लालगंज विधानसभा से डॉक्टर हरिराम गोपाल, पूर्व विधानसभा से इंजीनियर सुनील कुमार यादव को बतौर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिसमें एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक शिक्षाविद का चयन किया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष गोविंद दुबे, बाबूराम यादव, रामरूप यादव, राजेश सिंह, उमेश यादव, तनवीर रिजवी आदि लोग उपस्थित रहे। आज की प्रेस वार्ता में आजमगढ़ से आम आदमी पार्टी ने अब तक अपने 3 प्रत्याशियों का चयन किया है, जिसमें से गोपालपुर से इंजीनियर सुनील कुमार यादव और सगड़ी से मुकेश राय जी और लालगंज से डॉक्टर हरिराम जी। अभी तक 3 प्रत्याशियों के चयन में आम आदमी पार्टी ने एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक शिक्षाविद का चयन किया है। डॉक्टर हरिराम जी MBBS MD डॉक्टर हैं। आपका क्लिनिक रोहुआ पे, मुस्तफाबाद रोहुआ पे चलता है, इनका चयन किया गया है। और मुकेश राय जी MA BEd हैं, गांधी इंटर कॉलेज माल्टारी के प्रबंधक हैं। और इंजीनियर सुनील कुमार यादव BTech क्वालिफाइड हैं और उनकी 2-2 कंपनियां नोएडा में चल रही हैं। आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी के नाम पे, उनके वादे के नाम पे, उनके भरोसे के नाम पे इस बार का चुनाव लड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया सभी बिजली बिलों को माफ़ करने का काम करेगी और प्रतिवर्ष 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं तब तक 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं और बहनों को 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का काम करेगी और उत्तर प्रदेश के टोटल बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। वादे तो बड़े बड़े कर लिए हैं, इसके लिए बजट कहाँ से आएगा? बजट उत्तर प्रदेश का, अगर हम बेरोजगारी भत्ते पे बात करें तो हमने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से लगभग 20,400 करोड़ रुपये खर्चा होगा और इतना तो हमारे देश का पैसा लेकर नीरव मोदी और विजय माल्या लेके भाग गए हैं, उसी में ये सारे काम हो जाएंगे। बिजली की बात करें तो उस पर 10,400 करोड़ रुपये खर्च आएगा, ये भी तमाम ललित मोदी और इस तरीके के जो भगोड़े देश का पैसा लेके भाग गए हैं, बड़े आराम से इन सारे चीज़ों का खर्च हम इसी बजट से निकाल ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का बजट 5,80,000 करोड़ रुपए का है, जिसका मात्र 4% खर्चा होगा अगर हम प्रति माह 300 यूनिट उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री देने का काम करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, मुद्रा की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। और मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनता जाति और धर्म के नाम पे वोट देने का जो अब तक काम की है उससे ऊब चुकी है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं मुद्दों पे ही वोट करने का काम करेगी। कितनी सीट देने की उम्मीद है? ये तो जनता के हाथ में है, वो हमको कितनी सीटें देती है उसके बारे में तो हम पहले से क्या आकलन करें। और अगर जरूरत पड़े तो चुनाव के बाद किसी पार्टी से टाइप हो सकता है, गठबंधन हो सकता है, इसको नेतृत्व करता है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा, उसको
हम लोग नहीं बता पाएंगे अभी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।